मैं हूं महेश कुमार, सिंध डिजिटल के प्रोग्राम बातों सुनो में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध में पीने और शाखों के लिए, नहरों के लिए, ज़मीनों के लिए जो पानी है उसकी जो किल्लत है उसके हवाले से आज तफसील से बात करेंगे। आपको बताएंगे कि सिंध के लोग पानी जो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पानी के बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती, वो पानी सिंध में लोगों के साथ क्या हशर कर रहा है। अभी हाल ही में दादू डिस्ट्रिक्ट के शहर जोई के लोगों ने, जिसमें औरतें भी शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, बच्चे भी शामिल होते, हज़ारों के तादाद में जोई शहर में एक रैली निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि पानी दो। पानी के लिए दो चार मसाइल हैं। पानी, वो कह रहे हैं कि पानी ऊपर से जब आ रहा है, जो थोड़ा पानी आ रहा है, लोगों का कहना है जो थोड़ा पानी आ रहा है वो जो बड़े लोग हैं, जो बासर लोग हैं, जो असम्बली में बैठे हैं, जिनका वास्ते हैं, जो इरीगेशन डिपार्टमेंट्स के अफसरों के साथ मिलीभगत करके पानी रोक रहे हैं और वो हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। गुज़िश्ता साल भी जोई के लोगों ने इसी तरह की एक मूवमेंट चलाई थी कि भाई हमें पानी दो, फिर उनकी शाखों में पानी आया। इसी तरह इसी साल जोई के लोग सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने जोई में मुजाहरा किया। 26 तारीख को हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एक बड़ा मुजाहरा हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, हज़ारों के तादाद में लोग आने के लिए, सिविल सोसाइटी के लोग और दूसरे लोग जो शहरी दानिश्वर अदीब साफ़ी उनका साथ दे रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जोई वालों को पानी दो। जोई का मसला नहीं है, सिर्फ जोई का मसला नहीं है, पूरी सिंध में पानी की को नहीं दिया जा रहा है। बड़े लोग पानी चोरी कर रहे हैं, इरीगेशन के लोग पानी बेच रहे हैं। पानी नहीं होगा तो गुर्बत और बढ़ेगी और बेरोज़गारी और बढ़ेगी। इसलिए पानी का मसला न सिर्फ जोई के लोगों के पानी का मसला हल करना होगा, हुकूमत को संजीदगी दिखानी पड़ेगी, इरीगेशन डिपार्टमेंट को संजीदगी दिखानी पड़ेगी, सिंध के लोगों को, किसानों को पानी दिया जाए जैसे वो अपनी ज़मीनें आबाद कर सकें। ज़मीनें आबाद होंगी तो उनका घर का कारोबार चल सकेगा। अभी कोरोना की वजह से जो लोग परेशान हैं, कोई वैसे भी बेरोज़गारियाँ है, नौकरियाँ नहीं हैं, लोग जो है ना, तो अभी क्या करें, अभी ये खेती बाड़ी करके अपना कारोबार चला रहे हैं, वो इसी वजह से पानी न वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए इस मसले को हल किया जाए। आपको मैं याद दिलाऊं, इससे पहले भी खैरपुर में पानी ज़िले में बासर लोग पानी चोरी करने की वजह से हारी रहनुमाओं ने एक लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भूख हड़ताल की, मरने तक की भूख हड़ताल की, मुझे हमें पानी दो, हमारी ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं। तो ये सारी सिंध का मसला है, ज़मीनों को पानी नहीं मिलेगा, मिल रहा तो हुकूमत को सोचना चाहिए, पानी देना चाहिए। नाज़रीन, उसके साथ साथ ये तो हुआ ज़मीनों के लिए पानी की बात, दूसरी बात है पीने के लिए पानी। लोगों को पीने के लिए पानी मैसर नहीं है। मैं पर्टिकुलर आज थर की बात करूँगा। थर में 21,000 लोगों की आदमशुमारी है, 26,000 जो है ना गांव है, वहाँ पीने का मीठा पानी नहीं है। लोग जो है ना वो कड़वा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लो आज सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने 700 आरओ प्लान लगाए हैं, मगर हमारी इतला के मुताबिक, मेरी इतला के मुताबिक 750 जो आरओ प्लांट हैं वो कागज़ों में हैं। ओरिजिनली वो असली तौर पे 450 जो आरओ प्लांट लगे हुए हैं, मैंने खुद विज़िट किया है थर के आरओ प्लांटों को, उसमें से कम 250 आरओ प्लांट नहीं चल रहे। उन्होंने क्या किया कि भाई ये हम सोलर पे आरओ प्लांट लगाते हैं, कोई सोलर पे आरओ प्लांट का बंदोबस्त नहीं है, वो जनरेटर उधर लगाई हैं, जनरेटर को तेल पे चलता है, तेल नहीं मिलता, इसी वजह से वो बंद पड़े हैं। 250 जो आरओ प्लांट पे पानी आ रहे, लोग वो पानी नहीं पी रहे, उनके पीने की वजह से कि वो उनको बीमारियां हो रही हैं। लोगों का कहना है कि वो मीठा पानी नहीं है, उनमें जो हुकूमत दावा कर रही है, जो उसको साफ़ किया है, उस तरह का सफाई उसमें जो फ़िल्टर चेंज नहीं करते तो मीठा पानी नहीं हो रहा। थर के लोग पानी, मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, वो कंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे कंपेन चला रहे हैं कि हमें मीठा पानी दिया जाए। और 5 डीपरो मिट्टी छाछरो जो बड़े 4-5 शहर हैं
वहाँ के लोगों को पानी पहुँचाने के लिए लोगों ने हुकूमत ने वाटर सप्लाई की जो स्कीम लगाई है, जो वाटर उनको एक महीने में एक मरतबा एक घंटे के लिए पानी दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, शहरों में गांव मैंने आपको बताया कि 2600 गांव हैं, उन गांव के दूर दूर लोग रहते हैं, वो पानी के लिए खाने के लिए परेशान हैं। आप समझो कि पानी के लिए जब आदमी परेशान होगा तो उसकी ज़िंदगी तो क्या बनेगी, वो उनको पानी नहीं पहुंचा। बड़े शहरों में जो पानी जो पाइपलाइन के ज़रिए वाटर सप्लाई के ज़रिए गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है, वो एक महीने में एक घंटे के लिए पानी दिया जाता है। इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी। लोगों का कहना है अल्टरनेटिव है, हमारे पड़ोसी ममालिक का भी जायज़ा लिया जाए, वहाँ भी थर है, वहाँ लोगों को मीठा आदमी पानी पहुँचाया जा सकता है, तो हमारे लोगों को हमारे थरी भाइयों को पानी मीठा पानी क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता। हुकूमत अपने लोगों को बिठाए, जो कंसल्टेंट बिठाए, उनसे स्कीमें बनाए, भाई थर के लोगों को मीठा पानी कैसे पहुंचाया सकते हैं। लोग थर के कह रहे हैं कि मीठा पानी पहुंचाया जा सकता है, कैनाल निकाला जा सकता है, कैनाल के थ्रू जो है ना वो पानी पहुंचाया जा सकता है। हुकूमत जो करोड़े अरबे रुपए खर्च कर रही है वो आरओ प्लांट पे, जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, वो कागज़ों में पैसे खाए जा रहे हैं, वो अगर थर के लोगों के पानी के हकीकी तौर पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल पैसे खर्च किए जाएं, तो इससे लोगों का थर के लोगों को खुशहाली भी मिल सकती है। मैं यहाँ एक और बात करता हूँ, एक जो थर प्लांट के लिए एक स्कीम 214 में शुरू की गई थी कि उसको थर प्लांट के जो है ना वहाँ पानी पहुँचाने के लिए जिससे अरबों रुपए उसमें खर्च किए गए, वो दो साल में जो स्कीम मुकम्मल करनी थी वो अभी तक 6 साल गुजर गए हैं, अभी 2020 है, वो भी मुकम्मल नहीं है। बड़ी ज़्यादती हो रही है थर को पानी। इसी तरह सिंध के कई और शहरों में मीठे पानी का फुकदान है। जकम्बा ज़िले में जकम्बा शहर को मीठा पानी नहीं है, उसके लिए स्कीमें बनी हैं मगर उनको मीठा पानी अभी तक नहीं मिल रहा। कई शहरों में जो पानी लोगों को मीठा है उसमें केमिकल है, उनकी रिपोर्टें आई हैं जिससे लोग बीमार बन रहे हैं। इसलिए सिंध के लोगों के पीने और ज़मीनों के पानी के मसले को गवर्नमेंट को अवलियत के बुनियाद पे लेना होगा। अगर पानी के लिए गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट को हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। मैं इस प्रोग्राम की तरफ से सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जो 15वां टेन्योर पूरा करने जा रही है, उनसे मुतालबा करता हूँ कि लोगों के पीने के पानी और लोगों की ज़मीनों गरीबों के किसानों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।